दोस्तों नासिक, नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय और महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा नगर है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर और पुणे से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है और इस शहर का सबसे प्रमुख भाग पंचवटी है। इसके अलावा यहाँ बहुत से सुंदर मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं। नासिक में त्योहार के समय बहुत ही अच्छी संख्या में श्रद्धालु या भीड़ दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों यदि हम नासिक के इतिहास की झलक देखें तो नासिक शक्तिशाली सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी रही थी और मुगल काल के दौरान भी नासिक शहर को गुलशानवाद के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त नासिक शहर ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने 1932 में नासिक के कालाराम मंदिर को निचली जातियों के लिए खोलने के लिए आंदोलन चलाया था। दोस्तों नासिक आस्था का शहर है। यहाँ आपको बहुत से सुंदर मंदिर और घाट देखने को मिलेंगे। यहाँ विभिन्न त्योहारों को भी बहुत ही उत्साहित रूप से मनाया जाता है। यदि आप नासिक घूमने जाते हैं तो इससे आप जो काशी है, प्रयागराज है, तो उसके एक इक्विवेलेंट आप यहां पर चीज को देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है यहां का कुंभ मेला। नासिक में लगने वाला कुंभ मेला, जिसे यहां सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, शहर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्य जब कुंभ राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेला, और सूर्य जब सिंह राशि में होता है तब नासिक में सिंहस्थ होता है। इससे कुंभ मेला भी कहते हैं। अनगिनत श्रद्धालु इस मेले में आते हैं और यहाँ मेला 12 साल में एक बार लगता है। इस मेले का आयोजन महाराष्ट्र पर्यटन निगम द्वारा किया जाता है और भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगहों पर लगता है। यह जगह नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है और इस मेले में हर बार विशाल संख्या में भक्त आते हैं। इस मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और यह माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष आने वाले शिवरात्रि के त्योहार को भी यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में आए तीर्थयात्री इस पर्व को पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में आने वाले तीर्थयात्री के लिए राज्य सरकार कुछ विशेष प्रकार का प्रबंध करती है। यहाँ दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों के रहने के लिए बहुत से गेस्ट हाउस और धर्मशाला की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहाँ स्थित घाट बहुत ही साफ और सुंदर है। त्योहारों के समय यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। नासिक के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।